एक बहुत हेल्दी नाश्ता बता रही हूँ आपको। तो थोड़ा सा और भुनेंगे क्योंकि मसाला भुन जाएगा, जैसे हल्दी है उसे वो पक जाएगी। हेल्दी खाना कभी भी टेस्टी नहीं होता। बोला कि बन गई और कितनी अच्छी लग रही है। और ओ भाई, बाकी ये साड़ी मेरी शादी की है, ठीक है। मैंने कल एक्सरसाइज नहीं करी थी गाइज, और मैंने हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 11 बज चुके हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया आज भी। तो कोई नहीं, नाश्ता बना रही हूँ, और आज एक बहुत हेल्दी नाश्ता बता रही हूँ आपको, ठीक है। आशीष जी का कुछ अलग सा कुछ खाने का मन था, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ अलग ही बना देते हैं उनके लिए। तो सोयाबीन रखे थे मेरे पास, ये वाले सोया चंक्स, ठीक है, इनका नाश्ता बना रही हूँ। बेसिकली मैंने इनको बहुत अच्छे से धो के निचोड़ के बिल्कुल सुखा लिया है। बाकी कढ़ाई चढ़ा दी मैंने, तो तेल भी उसमें डाल दिया है, ठीक है। तेल थोड़ा ज़्यादा लेना है, और मैंने क्या था प्याज और हरी मिर्च, कुछ नहीं, बस बेसिकली इनको ना सब्जी को और सोयाबीन को बहुत अच्छे से फ्राई करना है। तो सोयाबीन बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, ठीक है। तेल भी गर्म हो गया, तो इसमें सबसे पहले हम हींग गेर लेंगे, और आपको जो भी अच्छा लगता है, आप जीरा गेर सकते हो, राई गेर सकते हो, या फिर अजवाइन गेर सकते हो, वो भी अच्छी आएगी। तो आप कुछ भी गेर सकते हो, मैं जीरा गेरूँगी। तो हींग तो बहुत ज़रूरी है, तो तेल गर्म हो गया, पहले हींग गेर देते हैं, ठीक है। हींग गेर रही हूँ मैं, और मैंने इसको बहुत अच्छे से और निचोड़ लिया। देखो थोड़ी बहुत नमी तो रहेगी, लेकिन देख लो अब नहीं है उसमें पानी, बहुत हल्का फुल्का सही है। तो वो तो जब इसमें मैं जब मैं फ्राई करूँगी तब ठीक हो जाएगा। अब मैं गेर लूँ जीरा, ठीक है, इतना बहुत है। उसके बाद अब ये प्याज और हरी मिर्च गेर दो। मैं टमाटर नहीं गेर रही हूँ इसमें, ठीक है। आप टमाटर गेरना चाहो तो टमाटर भी गेर सकते हो, और आप कोई भी वेजीज गेरना चाहो, आपके पास कोई भी हो, जैसे पत्ता गोभी हो गई, गाजर हो गई, या कुछ और वेजीज हो, वो भी आप गेर सकते हो। क्योंकि बेसिकली ये जो है सोयाबीन का हेल्दी नाश्ता है, वेजीज के साथ जो होता है। अब इसको क्या नाम दूंगा समझ नहीं आएगा, फ्राइड सोयाबीन बोल सकते हो, सोया चंक्स मतलब। फ्राई करके खा रहे हैं हम लोग आज। तो मैं किस तरह बना रही हूँ ये आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप अपने तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अभी इनको अच्छे से भून लेंगे, प्याज को और हरी मिर्च को थोड़ा अच्छे से। A few moments later. क्या नमक चाहिए? नहीं, मम्मा ये बना रही ना, आपको भी देगी, ठीक है। आपने हेलो करी सबको? हेलो करो सबको। वो गम है, उसमें गम पानी है बेटे, बॉटल में गम पानी, गम 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 है गम। एक्चुअली मैं इसकी बॉटल ना गर्म पानी से और इससे निप्पल को धो देती हूँ गर्म पानी से, थोड़ी देर पानी में छोड़ देती हूँ। हाँ जी बिट्टू, आशीष जी वहाँ कुछ काम कर रहे हैं, ये अपना कार्टून देख रही थी। मैं तो नाश्ता बनाई हूँ, तो देखो हल्की हल्की फ्राई होना स्टार्ट हो चुकी है ये प्याज। अब आप प्याज ये जैसे हल्की फ्राई हुई ना, तो इसमें आप सोयाबीन गिर दो। एक बात याद रखना, इसको बहुत अच्छे से धो लेना पहले ना, फिर इसको निचोड़ के अच्छे से तब इसको गिरना। इसको मिक्स कर देंगे, इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही रखना, क्योंकि सोयाबीन ना बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है तेल को और पानी को, इसलिए उसमें क्या करना, तेल अच्छे से गिरना और इसको अच्छे से तेल में फ्राई करना। तेल आप कोई सा भी ले सकते हो जो आपको पसंद हो। गाइस मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ तेल ज़्यादा गिरने को, क्योंकि देखो ये ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और धीरे धीरे जितना भूनता रहेगा ना, उतना ड्राई होता जाएगा। सोयाबीन में, सोया चंक्स में मतलब यही होता है, ये बहुत जल्दी ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं इसमें क्या गिर रही हूँ, थोड़ा सा ही भून गया, मैं सिर्फ हल्दी गिरूँगी थोड़ी सी, और मैं नमक गिरूँगी, जितना भी आपको पसंद है नमक खाना, ठीक है। नमक अगर सेंधा हो तो ज़्यादा अच्छा है, और काला नमक भी गिर सकते हो, वो भी बेस्ट रहता है। और हमारे पास काला नमक था, ये रेड वाला काला नमक है, तो ये वाला गिरा है मैंने। बाकी इसको मिक्स कर देंगे बहुत अच्छे से, और थोड़ा सा और भुनेंगे, क्योंकि मसाला भुन जाएगा, जैसे हल्दी है उसे वो पक जाएगी। बाकी ये थोड़ा सा और भुन जाएगा प्याज के साथ, और ये नाश्ता हो गया तैयार। बाकी इसको आप मॉर्निंग में खाओगे ना, तो एक तो आपको प्रोटीन मिलेगा अच्छा खासा, और जो वेट गेन करना चाह रहे हैं, मतलब वेट बढ़ाना चाहते हैं, वो अगर कंटिन्यू खाओगे ना, तो भी आपका वेट गेन हो जाएगा। और इसमें आप पनीर भी गेर सकते हो, जैसे आप ये बन जाए उसके बाद कच्चा पनीर उसके ऊपर गेर के अच्छे से खाओ, मज़ा आ जाएगा। देखो स्वाद तो आपको नहीं आएगा, लेकिन प्रोटीन वाला खाना हेल्दी है ये, ठीक है। तो बस अब इसको बनाती हूँ और फिर खाएंगे मज़े से। गाइस एक चीज़ और, हेल्दी खाना कभी भी टेस्टी नहीं होता, ठीक है। और हेल्दी और टेस्टी अगर दोनों होते हैं, तो उसमें कुछ अनहेल्दी भी होता है।
ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ आप अगर बनाओगे आपको टेस्टी नहीं लगी तो मुझे मत बोलना, क्योंकि ये थोड़ा सा लगेगा ही आपको, पर इसमें क्या नाम है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, मैं फिर से बोल रही हूँ, और ये टेस्ट भी हल्का फुल्का होता है। मुझे तो सोयाबीन पसंद है, जिनको नहीं पसंद होगी तो शायद उनको पसंद ना आए, लेकिन मुझे तो पसंद है, आशीष को पसंद है, और अब कुकू भी खाने लगी है। ठीक है, तो बस अब ये तैयार हो चुका है, आपके पास हरा धनिया हो तो आप वो गिर सकते हो, और ये आपका नाश्ता हो गया तैयार। Meanwhile, तो गाइस बारिश पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, सुबह से ही वेट कर रही थी मैं कि बारिश कब आएगी, आ गई लो, और अभी टाइम हो रहा है 12:30 होने वाले हैं। ठीक है, मौसम अच्छा हो गया, लेकिन यार वो वाली बारिश नहीं पड़ रही अभी ना, तो जो ठंडक लाए, अभी थोड़ी गर्मी वाली है, उमस निकाल रही है अभी, और जब वो वाली बारिश आएगी तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तो इस बारिश को इन्जॉय करते हैं, और क्या कर सकते हैं, हाँ मज़ेदार बारिश। बाहर मौसम अच्छा तो घर का ये हाल, क्योंकि कपड़े सूखते नहीं है बारिश में, तो यहाँ फैला देती हूँ मैं यहाँ पंखा चला के अपना। ठीक है, तो ये वैसे सूख गए थे, पर हल्का हल्का नमी है इनमें, तो कुछ जो गीले थे वो तो बाहर सूख रहे हैं, बाकी ये वाले यहाँ पे सूख रहे हैं। गुड इवनिंग गाइस, और अभी शाम के 4 बज चुके हैं। ठीक है, बाहर का मौसम देख लो कितना प्यारा हो रहा है, थोड़ी देर पहले भी बारिश हुई थी, और मैंने आज पतिदेव से फरमाइश करी थी नान खटाई की फिर से। ठीक है, जो पहले बनाई थी वो तो ख़त्म भी कर दी थी, तो आज फिर से मैंने बना दी मेरे लिए, थैंक यू। और लंच वंच करके हम लोग, इन्होंने तो रेस्ट नहीं करा था, मैं कुकू को सुलाने गई थी, बस अभी आई हूँ, इन्होंने बोला कि बन गई, और कितनी अच्छी लग रही है यार, ओ भाई जान क्या बना दिया यार आपने ये, मेरे को पिछली बार ऐसा बोला कि क्या बनाया ये ड्रामेबाजी कुछ बनाना नहीं आता। अरे आपने कल, वो कल कह रही हूँ, पिछली बार आपने थोड़ी गलती कर दी थी ना, वो टाइट टाइट बन गए थे, मैं अभी गर्म हो रहा है ना, बाबू मैं मोटी हो जाऊंगी इससे तो खा के, है मेरी डाइट प्लान का क्या होगा, तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है क्या, चक्कू से देखो काट के, चक्कू से क्या, ओ भाई ये तो है, चक्कू भी जा रहे हैं इसके अंदर, देख रहे हो गाइस कितने सॉफ्ट बने हैं ये, तो मम्मी ने गलती कर दी, फिर इनको थोड़ी और पका दोगे, गल्डन ये तो मुझे लग रहा पक गई हैं, ये देख लो आप साइड वाली जो है, पर देखने में बहुत सुंदर लग रही है वाकई में, एक बार खा के और देख लो क्या मुँह में पानी आ रहा मेरे। गाइस मेरी डाइट टूट जाए, टूट रही है बस, क्या होता हूँ मैं, इतनी अच्छी चीज़ बना के खिलाते हैं पति देव, मस्त कोई जवाब नहीं आपका। गाइस मैं मोटी होने का राज, मतलब मेरा जो टिड्डी निकल गया ना, ये तो निकले नहीं, टिड्डी जो निकल रहा वो इसी वजह से निकल रहा, गुड इवनिंग गाइज, और अभी शाम के 6 बजने वाले हैं। ठीक है, मैंने अभी कुछ वीडियो शूट करी, तो उसके लिए मैं साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हो रखी हूँ, और बाहर का मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, पतिदेव गए हैं ड्यूटी, और कुकू जी अंदर सो रहे हैं मेरे, वीडियोज़ मेरी बन चुकी है, और बस मैं अभी कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ, गर्मी लगी है बहुत ज़्यादा, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई आई थी, तो अभी फिर से आने वाली मौसम कैसे हो रहा है, बाकी ये साड़ी मेरी शादी की है। ठीक है, और ब्लाउज़ बिल्कुल वैसे का वैसे ही आ रहा है जैसे पहले था, मतलब पहले भी ढीला था अब भी ढीला ही आ रहा है, मतलब मैंने बिल्कुल भी वेट गेन नहीं करा अपना यहाँ पे, मुझे लगता है जब से मेरी शादी हुई तब से वेट गेन हो ही नहीं पाया मेरा, कोशिश तो मैंने बहुत की लेकिन हो नहीं पाया, मेरे रिश्तेदार बोलते हैं ससुराल वाले खाने को नहीं देते तुझे तो आई थिंक ये कह सकते हो कि आप जिम्मेदारी पढ़ने के बाद मैं थोड़ा उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई जिम्मेदारियों को, और मैं उन हालातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, तो इसलिए शायद मैं अपना वेट गेन भी नहीं कर पाई, और आज तक भी अभी कर भी नहीं पा रही हूँ, तो खैर वो सब बातें पुरानी हैं। चलो अभी काम वाम करते हैं, बाकी मैंने कुछ वीडियो शूट करी है मम्मी वाली, तो बहुत सारा प्यार देना है, क्योंकि फिर से प्यार कम हो चुका है, तो तुम बढ़ाओ शेयर करो। ठीक है, जो भी पसंद आया मुझे बताया करो कमेंट बॉक्स में कि अच्छी लग रही है वीडियो। हाँ, कुछ दिनों पहले मैं अपने पुराने वीडियोस देख रही थी, तो मैं उनमें ना बड़ा हंस रही थी कि यार मैं कैसे बोलती थी, मतलब मैं कितनी कैमरा शाये थी पहले कि मैं बोल ही नहीं पाती थी कैमरा पे व्लॉग में, मतलब, और अब मैं पटर पटर बोलती रहती हूँ, और आई थिंक बोलना भी चाहिए अपने मन की बात, और मन की भड़ास बोल लो चाहे तो वो निकाल देनी चाहिए, चाहे वो कैमरा पे निकालो या किसी के मुँह पे निकालो, पर निकाल दो ताकि सामने वाले को पता हो ये बोल सकती है या बोल सकता है। ठीक है, तो मन में कोई बात मत रखो, बोल दो, बिंदास बोलो। चलो अभी कपड़े वपड़े चेंज कर लेती हूँ, मिलेंगे आपको थोड़ी देर में। तो गाइस बाहर का मौसम देख लो, अभी अभी बारिश होके रुकी है, ठीक है, और बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, मैंने अपनी एक्सरसाइज भी कर ली है,
एक्चुअली आजकल ना मुझे टाइम नहीं मिल पाता सुबह करने का. मैंने कल एक्सरसाइज नहीं करी थी गाइज, और मैंने इसलिए टाइटल में भी डाला था कि वर्कआउट डे 9, और आज डे 9 है. ठीक है, तो इसलिए आज मैंने शाम को एक्सरसाइज करी. मॉर्निंग में क्या होता है, सुबह घर के काम करो, फिर बच्चे के काम करो, फिर खुद का नहाना धोना करती हूँ, फिर पूजा वगैरह में, मतलब पूजा के लिए लेट हो जाता है, इस वजह से सुबह जल्दी जल्दी काम करके मैं सब काम करके फिर नाश्ते रेडी मिल जाती हूँ. हाँ जी, हाँ देख रहे हो देवांगी को आप. गुड इवनिंग करो सबको, हेलो करो. है गुड्डू पहले मेरा बच्चा, कैसे देख लो भाई देवांगी को, कैसे देख लो तू गुड्डू. इसलिए मैंने शाम को एक्सरसाइज करी, कल नहीं कर पाई थी क्योंकि कल वहाँ गए थे ना किसी काम से, तो इसलिए बाकी अभी कर ली थी मैंने. और बस अभी ये खाऊंगी, मुरमुरे लाई हूँ अपने लिए, तो मुरमुरे खाऊंगी, बहुत टेस्टी है यार. इसमें ना आई थिंक लहसुन का गार्लिक का फ्लेवर है, बहुत टेस्टी लग रहा है. अभी बस बैठे हैं और मौसम को इंजॉय करते हैं. ठीक है, ये खाते हैं. और आशीष जी भी आ गए हैं टुकी से बनाने गए हैं आई थिंक, तो बस कुकर में बैठे हैं यहाँ पे, मज़े करेंगे, खाएंगे पियेंगे, है ना कुकू छोटी छोटी बेबी. गाइस मैं थोड़ी भूख लगती है ना जैसे शाम के टाइम पे, तो मैं ऐसी चीज़ें खा लेती हूँ, उससे डाइट भी नहीं बिगड़ती आपकी और ठीक भी रहता है. गुड्डी चा आनी मैं गुड्डू जा मैं गुड्डू चा. गाइज अभी खाना वाना भी हमारा हो गया था, हम थोड़ा घूमने गए थे बाहर, तो वहाँ वीडियो नहीं बनाई. मैंने सोचा कि चलो कभी कभी पर्सनल टाइम भी लेना चाहिए अपना, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाई तब. तो बस अभी आ गए हम लोग घूम फिर के, खाना वाना तो हमारा हम खा के ही गए थे. तो बस कल मिलते हैं, आपको वीडियो एंड कर देती हूँ. ठीक है, वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना, मत जाना चैनल को. ओके गाइज, बाय, गुड नाइट, सब अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, कल मिलते हैं आपको. ठीक है, नए दिन के साथ.